जय सिंह नमस्कार राम नारायण दुड़ी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे किसानों की समस्या पर अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अभी सुबह से जो किसानों की समस्या पर जो भी माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे और कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने भी अपने विचार रखे और जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद के अंदर 60 साल तक इस देश पर कांग्रेस की सरकार की नीतियाँ चली, उनके जो भी किसानों के प्रति घोषणाएँ की उन्हीं के आधार पर ये किसान देश के अंदर आज वो समस्याएं खड़ी हुई और आज वो कह रहे हैं कि आपकी नीतियों के बदौलत किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं उन महानुभावों से ये कहना चाहूँगा कि झूमे झूमे 3 साल हुए और इन 3 साल के अंदर हमारी जो नीतियाँ हैं, जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके अंदर आज जो हमारी नीतियाँ जिस प्रकार से काम में ली जा रही है, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आपकी जो 60 साल की आज किसान को कमज़ोर किसने किया? किसान को यदि किसी ने कमज़ोर किया है तो सभापति महोदय केवल और केवल कांग्रेस की नीतियाँ ने किया। मैं ये नहीं चाहता हूँ किसान ने आज देश के अंदर जब अनाज की कमी थी और उस वक्त के अंदर किसानों ने जो आज आपका जो हम बाहर से अनाज मंगाते थे और उस बाहर से अनाज मंगाने पर हमें जिस प्रकार के शर्तों का सामना करना पड़ा था और उस वक्त के अंदर इस देश के किसान ने एक चैलेंज समझ करके इस देश को किसी ने आत्मनिर्भर किया तो इस देश के किसान ने किया। आज 60% काश्तकार लोग जो है वो खेती पर निर्भर है और उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए इस देश में जो मलवा उत्पादन बढ़ाया, मैं उस किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वही किसान आज आत्महत्या है और आत्महत्या हो रही है। आत्महत्या केवल फसल का उत्पादन मूल्य नहीं मिलने के कारण लागत ज़्यादा आती है और मूल्य नहीं मिलता है और उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा कमज़ोर होती जाती है। इस वजह से उनके सामने कई तरह के खर्चे आ जाते हैं और उन खर्चों की भरपाई जब नहीं होती है और साहूकार पैसे मांगना हो जाता है, जब वो मतलब मजबूरी के अंदर आत्महत्या करता है। और कहीं पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग हालात के अंदर है और अलग अलग जगह अलग अलग फसलें पैदा होती है और उन्हीं के आधार पर उनका दाम जो है निर्धारित नहीं होता है, तो ये किसान मतलब उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती गई है। ये ऋण से दबता गया कई बार, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट थी जब 1990 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की गवर्नमेंट थी, उस वक्त में भी किसानों का कर्जा माफ़ किया और उसके बाद के अंदर अटल बिहारी जी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त में भी किसानों का कर्जा माफ़ किया गया। मगर किसानों के कर्जे माफ़ करने से जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं होता, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, जब तक वो उत्पादन ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, जब तक कर्जे माफ़ होना एक अलग बात है, ये एक सुविधा है। मगर उन सुविधा को आज हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारा किसानों की जो आय है किस प्रकार से दुगुनी की जाए और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कृषक को कई तरह की योजनाएं दी है। उस योजनाओं के अंदर आज जो मृदा जांच करना, जो काश्तकार को ये मतलब पता भी नहीं है कि अपने खेत के अंदर किस प्रकार का बीज बोना चाहिए, किस प्रकार का खाद देना चाहिए, किस प्रकार की हमें खेती करनी चाहिए, यदि उसका मतलब सही आधार बना करके हमारी जो योजना है उनके अनुसार मतलब वो जो खेती में हमारी आय दुगुनी होगी,
तो ये मतलब ये मुद्दा है। आज तक आपने किसी प्रकार का नवाचार नहीं किया और नवाचार के आधार पर हमारा किसान जो है पिछड़ता गया, केवल उनके वोट लेने के, किसानों का वोट लेने तक ही सीमित रहे। और दूसरी तरफ मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वावलंबन जल स्वावलंबन योजना की जो मतलब की है वो 3,350 गाँव के अंदर पिछले फर्स्ट फेज के अंदर किया और सेकंड फेज के अंदर 3,500 पंचायतों का और चयन हुआ है और हम इस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर एक जल स्वावलंबन योजना के आधार पर जिसके अंदर काश्तकार की भागीदारी है और उसको मतलब उसके अंदर हम पानी को डेवलप करना चाहते हैं हमारा राजस्थान। मैं उपाध्यक्ष महोदय, हमारा राजस्थान जब तक काश्तकार के प्रति हमारी संवेदना नहीं होगी, मैं मतलब उस वक्त का भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। मैं ये जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि 2003 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वसुंधरा जी के नेतृत्व के अंदर उस वक्त के अंदर मैं राजस्व मंत्री था। इन कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर काश्तकारों से 18% ब्याज और 18% ब्याज के साथ साथ 6% पेनल्टी यदि समय पर यदि वो नहीं चुका श्री राम कुमार काश्यप के खेत नीलाम होते थे। हम लोग बात की चिंता की उपाध्यक्ष महोदय की 6% पेनल्टी को खत्म किया और 18% से 12% पर लाए और हमारी एक राम कुमार काश्यप को लोन उनका मतलब ब्याज माफ किया गया सर। आपने मुझे किसानों की समस्या पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका ये गवर्नमेंट के अंदर है आज पहले भी थी आज भी है और हम आज भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये मतलब बैठिए बैठिए धन्यवाद बैठिए।